अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाइल्ड रश। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला भी हूँ और बहुत कुछ बताने वाला भी हूँ, क्योंकि आज की वीडियो ना तो किसी एनिमल पे होने वाली है ना किसी रेप्टाइल पे। आज की वीडियो होने वाली है एक ऐसी ओमनिवर बर्ड से जो कि इंसेक्ट भी खाता है, बीज भी खाता है, वर्म्स भी खाता है, पत्ते भी खाता है, और उस बर्ड को आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा। उसके बारे में बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि उस बर्ड को ना तो मैं किसी गन से शूट करूंगा, ना किसी गुलेल से, ना उसको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रैपिंग भी सिखाने वाला हूं, मतलब कि फंदे लगा के, ट्रैप लगा के, आसपास की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम उस बर्ड को, उस परिंदे को पकड़ेंगे, और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो देखते रहिएगा मेरी ये वीडियो, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो ये जो लोकेशन, ये जो पानी का तालाब, पानी का जोहड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे मुझे दो तरह के बर्ड, दो तरह के परिंदे नज़र आ रहे हैं। उनमें से एक है मोर हैन और एक है वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। तो यहाँ पे मैं ट्रैप सेट करने वाला हूँ। जो परिंदा मेरे ट्रैप में फंसेगा मैं उसी की मालूमात, उसी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये जोहड़, ये तालाब आपके गांव, आपके शहर, आपके इलाके में भी बहुत सारे हैं, तो आपने इन परिंदों को ज़रूर देखा है, देखा होगा, लेकिन उनके बारे में मैं आज आपके साथ मालूमात शेयर करने वाला हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा ये भी कि कैसे करते हैं आस पास की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ट्रैप सेट। तो चले मेरे साथ। ये देखें, ये जो लोकेशन है ना, ये एकदम परफेक्ट है। आपने इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आप जब भी ट्रैप सेट करते हैं, आपने पहले देखना है कि वहाँ पे परिंदे मौजूद हैं, वहाँ पे आते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये देखें, मैं माजर चाहूँगा कि मेरा कैमरा इतना हाई क्वालिटी का नहीं है, मैं आपको उनके पंजों के निशान नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर ये उनका रास्ता बना हुआ है, ये यहाँ पे, यहाँ से होते हुए वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे तीन तरह के जो हैं पानी का सोर्स हैं, वहाँ पे, यहाँ पे और वहाँ पे। तो परिंदे जो हैं अपनी खुराक को तलाश करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट जगह है मेरा ट्रैप सेट करने के लिए। मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस तरह के, ये देखे, तकरीबन 1.5 फीट की एक स्टिक जो है ये चूज़ किया है। ये यहाँ से मैंने लकड़ी से ही तोड़ा है, इसको बनाया है मैंने। तो ये देखिए कुछ इस तरह की है और ये कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये दो आपको ट्रैप सेट करने के लिए दो लकड़ियाँ चाहिए, कुछ इस तरह की और एक ये होगी हमारे मेन। इन्हीं से मैं एक ट्रिगर बनाऊंगा और ट्रैप सेट करूँगा, ठीक है। तो ये लोकेशन जो है बिल्कुल, और मैं आपको बता दूँ कि आपको इस तरह की कोई लकड़ी भी चाहिए जो कि बिल्कुल एक ट्रिगर के तौर पर लचक हो, जो नीचे करें और ब्रम ऊपर जाए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे, ये भी है, काफ़ी सारी है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ मुझे प्रेशर ज़्यादा मिलेगा मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो तीन चार ट्रैप सेट करूँगा, एक ट्रैप की मालूमात, उसको कैसे सेट करना है वो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, और बाकी ट्रैप जो है बिल्कुल मैं उसको स्पीड अप कर दूँगा, बूस्ट कर दूँगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेट करने वाला हूँ। तो आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो लकड़ियाँ दो आपने, ये बेस जो आपने ज़मीन में गाड़ा है इनको, ये जो जिस लकड़ी से हमारा प्रेशर बनेगा ना, ये इन दोनों के दरमियान में आता हो। ये देखें बिल्कुल ये इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा आधा काम हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, एक रस्सी जो कि मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं इसको यहाँ से ऐसे बांध दूँगा। ये देखें मैंने एक डोरी के एक्स्ट्रा जो लकड़ियाँ प्रेशर देगी मैंने उसको बांध दिया है, ठीक है। और एक छोटी सी लकड़ी को मैंने बिल्कुल डोरी के एंड से पहले, तकरीबन 2.5 फीट से पहले मैंने बांधी है। वो आपने कैसे जज करना है कि आपने इस छोटी लकड़ी को यहाँ पे ही बांधना है, वो ये वजह कि जो बेस हमने बनाई थी, ये देखें यहाँ पे, तो आपने ऊपर से भी वो देखें हल्का सा नीचे आ रहा है, ठीक है, वो देखें। और मैं इसको बिल्कुल खींच के हल्का सा इसके साथ अटका दूँगा। अब ये देखें
वो भी थोड़ी सी डाउन हो गई है, अगर मैं उसको इस लकड़ी को अचानक से रिलीज़ करूँगा तो प्रेशर के साथ ये वो लकड़ी जाएगी और हमारी डोरी खींची जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक काम। ये देखिए मैं आपको सैंपल दूँगा, वो देखें, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी लकड़ी लूँगा, ये देखें हमारी एक और हिस्सा जहाँ पर हमने ट्रिगर सेट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी वीडियो लेंथ ही ना बने ताकि आप बोर ना हो जाएं। अब ये देखिए, ये हमारा हो गया एक ट्रिगर सेट, तकरीबन 80% हमारा ट्रिगर सेट हो गया है। अभी आपको तो अभी क्लोज में आपको दिखाऊंगा। आपने डोरी के एंड वाले सिरे पे इस तरह की गिरह लगा देनी है, इस तरह की नोट बांध लेनी है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। फिर आपने ये कॉमन नोट बांध लेनी है जो कि आपको ग्रिप करेगी। ये आपको अक्सर आती होगी, आपने बहुत से जगहों पे यूज़ किया होगा। ये देखिए ये बिल्कुल टाइट हो गया। यही नोट जो है हमने यहाँ पर लगानी है। बिल्कुल यहाँ पे हमने सेट कर लिया हमारा जो ट्रैप का सर्कल है वो थोड़ा सा बड़ा रहे, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे हल्का सा वो कर रहा हूँ खुला, ताकि हवा से या किसी और चीज़ से ये हमारा जो ट्रैप है छोटा सा ये ख़राब ना हो जाए। तो ये हो गया तकरीबन हमारा ट्रैप सेट। अब मैं इसमें चारा डालूँगा। आप चारे को वर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, वर्म्स के लिए वो ज़्यादा भाग के आती हैं हमारे जो मोर हैं और वाटर। ये देखें बिल्कुल चारा आपने यहाँ नहीं डालना फ़िलहाल, ज़्यादा चारा आपने अपने ट्रिगर के बिल्कुल नीचे, ये जो हमने फंदा लगाया इसके नीचे, ताकि जब वो यहाँ पे आए और इस पर पाँव लगे हल्का सा टच करे और पकड़ी जाए। तो ज़्यादा चारा मैंने दाने यहाँ पर डाल दिए हैं और कुछ साइड पर फेंक रहा हूँ मैं, ताकि इधर से किसी भी तरह से आ सकती है। अब होगा क्या, जैसे ही वो ये देखें हमारी मोर हैन वाटर हैन या कोई भी परिंदा यहाँ से इधर से उधर भागता हुआ आएगा, तो इसके ऊपर पैर या अपनी चोंच या अपनी गर्दन अपना पंख कुछ भी रखेगा तो ये नीचे हो जाएगा और जो हिस्सा इस सर्कल के अंदर होगा उसका वो ग्रिप हो जाएगा। मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ, ये देखें मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये ट्रिगर जो है मेरी आँख में ना लग जाए। तो ये देखें अब मैं हमारी मोर हैन वाटर हैन टुक 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 करती हुई आई और जैसे ही उसने यहाँ पे रखा वो भागेगी तड़पेगी इधर इधर, तो इस तरह वो पकड़ी जाएगी। तो ये था हमारा ट्रैप। इसी तरह के 3-4 ट्रैप मैं इर्द गिर्द जगहों पर जहाँ पर मुझे ज़्यादा उनके पंजों के निशान मिलेंगे मैं वहाँ पर सेट कर दूँगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्रैप समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेशन में कर सकते हैं। मुझे 10-12 तरह के ट्रैप आते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूंगा। आने वाली वीडियोस में भी मैं मुख्तलिफ परिंदों को पकड़ने के लिए इस तरह का ट्रैप सेट नहीं करूंगा बल्कि दूसरा और किस्म का ट्रैप सेट करूंगा, आपको वो भी सीखने को मिलेगा। तो अब मैं इसको लगा रहा हूं, सेट कर रहा हूं। तो ये देखें सेम उसी तरह का मैंने एक ट्रैप यहाँ पे भी सेट कर दिया है। मैंने अब ये देखें प्रेशर बनाने के लिए मैंने इस पूरी टहनी को यूज़ किया है, पूरी टहनी को झुका के मैंने बिल्कुल वही ट्रैप यहाँ पे सेट कर दिया है, ट्रिगर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब चारा डालेंगे, और इंतज़ार करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ट्रैप का शिकार का सबसे पहले और मेन जो रूल होता है वो होता है इंतज़ार, आपने इंतज़ार करना है। तो मैंने 3-4 ट्रैप यहाँ पे सेट कर दिए हैं, अब देखते हैं कब और कहाँ मिलता है हमें हमारा शिकार, क्योंकि सबर करना पड़ता है भाई। नहीं, मैं तकरीबन यहाँ पे 45 मिनट के बाद आया हूँ, मैंने सारे फंदे चेक कर लिए, तो अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं है कि फंदे में कोई फंसा हो। तो मैंने आपको पहले बताया कि
शिकार का और ट्रैप लगाने का मकसद ये नहीं होता कि आप लगाया और उसी वक्त आपके फंदे में फंस जाए, तो इंतज़ार करना पड़ता है। मैं माजरा चाहूँगा कि मैं आपको जो है, अगर फंसती भी है तो मैं वो फंसते हुए ट्रैप में कोई चीज़ फंसती हुई मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास अभी इतना हाई क्वालिटी का कैमरा नहीं है, गोप्रो नहीं है जिसको मैं एक जगह पे एडजस्ट या सेट कर दूँ, ठीक है। तो इस वजह से इंतज़ार भी करना पड़ता है। अभी तक तकरीबन 40-45 मिनट के बाद जो है मैं ना आया हूँ, अभी थोड़े सा चाय पीते हैं, फिर तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट के बाद मैं आपको मिलूँगा यहाँ पे। तो अभी मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे ट्रैप में एक परिंदा फंसा है, वो देखते जाए कौन सा है। मैं कसम से चाय पी रहा था, चाय मैं वो इधर रखी चाय, तो मैं देखता हूँ कौन सा अभी। वो देखें वो अभी वो फंसा हुआ है, अभी थोड़ा जूम करें तो मैं आपको क्लोज भी जाके दिखाता हूँ भाई लोगों। ये तो एक ट्रैप में अभी तक कुछ भी नहीं फंसा और दूसरे ट्रैप में आजा बहुत इंतजार करवाया भाई। ये कहीं भी नहीं जाएगी, मुझे अपने ट्रैप पे बड़ा यकीन है। ये देखें कैसे फंसी है, जैसे ये जहाँ पे दाना चुगने के लिए आई, दाना चुगा और ब्रूम 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 ब्रूम, ये देखें ये बिल्कुल टांग से फंसी हुई है। बाकी मेरे ना उस ट्रैप में कुछ है, ना उस वाले ट्रैप में कुछ है, ना इस वाले में, तो इस ट्रैप में मुझे मिली है ये। सॉरी, अभी मैं इसको ज़्यादा तकलीफ में नहीं डालूँगा। ये देखिए बिल्कुल इसकी टांग में फंसी हुई थी, ये जितना हिलेगी, जितना ये भागने की कोशिश करेगी, ये उतना बिल्कुल ग्रिप पकड़ लेता है। ये ट्रैप कुछ इस तरह से होता है। अभी ये देखें हमारे ट्रैप में जो परिंदा, जो बर्ड फंसा है वो है वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। इसको इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ये एरिया है ये है वाइट, ठीक है, ऊपर से है ब्लैक और हल्का सा ऊपर से ग्रे और पीछे से ब्राउन, ठीक है, ये है वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। मैंने इसको पकड़ लिया। ये अभी इसके बारे में यहाँ पे बैठ के मैं आपको फुल मालूमात शेयर करूँगा भाई। तो अब बारी है इस बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने की। तो मैं आपको बता दूँ इस तरह के परिंदे वाइट ब्रेस्ट वाटर हैन और मोर हैन, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उसको पकड़ के शेयर करूँगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन। इस तरह का पानी छोटे तालाब जोहड़ जहाँ आपके खेतों में, नदी नालों में और जहाँ गंदा पानी का खड़ा होगा, सोर्स होगा, वहाँ पर इस तरह के परिंदे आपको बहुत कसीर तादाद में नज़र आएंगे। लोग इनका शिकार भी करते हैं, इनको खाते भी हैं, इनके गोश्त में हल्की सी स्मेल आती है, हल्की सी, लेकिन अगर आप उसको रोस्ट कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, तो वो स्मेल दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये बाइट भी करते हैं, मैं आपको बताऊं इसका बाइट कुछ किस तरह से होती है। तो मैं आपको बता दूं इसकी बाइट की पेन कैसी है, जैसे एक कपड़े सुखाने वाली चिपटी जिससे हम तार पे कपड़े सुखाते हैं और चिपटी लगा देते हैं, जिस जोर से वो चिपटी चिपट जाती है ना, पकड़ लेती है, उसी उतने ही जोर में इसकी बाइट है। मैं नहीं, अब ये बाइट नहीं करी, इसको पता लग गया, खैर भाई वाइल्ड रश वाले आ गए हैं। तो इसके बारे में मैं और आपको बता दूं कि ये मेल और फीमेल को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, वो सेम एक जैसे नज़र आते हैं। वाइट ब्रेस्ट वाटर हैन की बात कर रहा हूँ मैं। ये फीमेल जो होती है 6 से 7 अंडे देती है, जो कि 19 से 21 दिनों में हैचिंग होती है, बच्चे निकलते हैं अंडों से। और बड़ी मज़े की बात ये है कि मुर्गियों की तरह, बाकी परिंदों की तरह, बच्चे जो हैं अलग अलग दिनों में नहीं निकलते, बच्चे सिर्फ एक ही दिन में, सारे के सारे अगर 6 अंडे हैं तो 6 अंडों में एक ही दिन में बच्चे निकलेंगे, ठीक है। तो ये अपने बच्चों का जो अंडों का घोंसला बनाती है, छोटे इस तरह की, काफ़ी जो घास फूस होगा, काफ़ी पानी के अंदर जो झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये इस तरह के
जो है झाड़ियों में इस तरह की जो है घास फूस में अपना घोंसला बनाते हैं और छोटा सा घोंसला बना लेते हैं जो कि आम इंसान हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो उस तरह का छोटा सा घोंसला बना के वहाँ पर ये 6 से 7 अंडे देती है और बच्चे निकलने के बाद ये अपना घोंसला थोड़ा बढ़ा लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मेल और फीमेल अपने बच्चों की बहुत हिफाजत करते हैं। इनको अगर इनके पास कोई चीज़ आती है ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत बुरा लगता है इनको। फीमेल जो है ये अपने बच्चों की बहुत केयर करती है। इसका साइज़ मैं आपको बता दूँ कि 32 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ होता है। इसकी चूँ जब पकड़ते हैं, ये देखें इनकी आँखें जो होती हैं रेड होती हैं, बहुत खूबसूरत, और इनकी चूँच आगे से हल्की सी लाइट ग्रीन और यहाँ से ऊपर से रेड, और इस तरह के इनके पंजे होते हैं भाई। 1, 2, 3, 4 इनके पंजे कुछ इस तरह से होते हैं। और जो जवान जो बालिग वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन होता है उसकी निशानी यही होती है कि आगे से वाइट, ऊपर से ग्रे और पीछे से थोड़ा सा ये ब्राउन होता है, गीला हो चुका है, इसलिए इसको शायद आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो। ये देखें पंजे इसके कुछ इस तरह से। मैं इसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा, ये है वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने ट्रैप लगाना सीख लिया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आए तो मैं आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर। तो अब टाइम है इसको रिलीज़ करने का। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें वाइल्ड रश, क्योंकि मैं इसमें आपको छोटे से इंसेक्ट से लेके बड़े बर्ड तक, बड़े एनिमल से छोटे रेप्टाइल तक आपको सब मालूमात शेयर करूंगा। उनको पकड़ूंगा बेयर हैंड्स प्रिमिटिव तरीके से, उनको पकड़ूंगा, ट्रैप लगाऊंगा, उनको पकड़ूंगा और उनके बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब टाइम है इसको रिलीज़ करने का। तो जहां से मैंने इसको पकड़ा वही मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने कुछ इस तरह का ट्रैप सेट किया है, मैंने ये ट्रैप सेट से जस्ट इसलिए किया है ताकि मैं इनको बगैर किसी नुकसान पहुँचाए पकड़ूँ और आपके साथ मालूमात शेयर करूँ। अब मैं इस ट्रैप को जो है उखाड़ रहा हूँ ताकि और परिंदा जो है यहाँ पे आके फंस ना जाए, ठीक है। ये मैंने इसको ज़ाया कर दिया, वेस्ट कर दिया है, ये धागा था, अभी इसको मैं काट रहा हूँ ताकि किसी और परिंदे, किसी और रेप्टाइल एनिमल को इससे नुकसान ना हो। तो अब है इसको रिलीज करने का टाइम। बाय 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 बाय।